प्रयास हमें अपने जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने परोपकार के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा, जिसमें सामवेद पूर्णता को प्राप्त, सामवेद संहिता पूर्ण हुई, सामवेद के मंत्रों का पाठ पारायण पूर्ण हुआ। मंत्रों में कहा गया, ऐ मनुष्यों, आपने इतनी बातें सुनी, इनके सुनने के बाद, स्वाध्याय के बाद आपके अंदर वो संकल्प, वो दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए, जिससे आप जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो मेरे आंतरिक मेरे अपने शत्रु हैं, उनके हनु, हनु कहते हैं दाढ़ी को, उनके दाढ़ी को उखाड़ के यूं फेंक दो। जब तक हम शत्रुओं को बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम आत्मिक उत्थान नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मंत्रों में कहा कि देवास्तम सर्वे धुर्वंतु, देव लोग अपने अंदर देवत्व को जागृत करते हुए उन शत्रुओं के साथ उन शत्रुओं को कुचल दें, उनको नष्ट कर दें। ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरा अपना अंदर का कवच तो वो ब्रह्म है, मेरे शरीर की रक्षा वो आंतरिक कवच, आत्मिक बल जो उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वही मेरा आंतरिक कवच है, उसी से मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। शर्म वर्म ममांतरम। और मंत्रों में अंत में कहा, भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवाह, हम अपने जीवन में इन इंद्रियों के साथ, इन इंद्रियों से भद्र कल्याणकारी ही श्रवण, कल्याणकारी दर्शन, कल्याणकारी वचन का बोलना, ये जो सबके लिए भजनीय है सेवनीय है, उसका ही आचरण करें। जो हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता, वो हम कार्य दूसरे के साथ न करें। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो हमें जिस चीज से हमें प्रसन्नता होती है, वही व्यवहार वही आचरण हम दूसरों के साथ करें। भद्रम करणे भी, इन कानों से भद्र सुने, भद्रम पश्येम अक्षभी है यजत्राह, यजत्राह मने ऐ यजमानो, हम जो इस यज्ञ के द्वारा, संगतिकरण के द्वारा अपना कल्याण चाहते हैं, इन आँखों से भद्र देखें, कल्याण की देखें। स्थिरै ही अंगै ही, हमारा प्रत्येक अंग स्थिर हो, दृढ़ हो, तभी हम देवहितम, देवों के लिए हितकारी जो आयु है, उस आयु को, जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यश बढ़े, स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः, संसार के जितने देव हैं वे सब हमारे कल्याण, शो अरिष्टनेमिहि, हम हिंसा रहित होकर के स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, हमारा वो जो बृहस्पति परमेश्वर है, इस वेदवाणी के द्वारा वो हमें हमारे अंदर कल्याण को धारण कराए। इन प्रार्थनाओं के साथ ये सामवेद संहिता की समाप्ति हुई है।